हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अली एक्सप्रेस से खरीदी हुई काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, और जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है और क्वालिटी वाइज इट्स A1। तो डेफिनेटली एक चीज़ का सिर्फ डिसएडवांटेज है, वो है शिपिंग टाइम, वो भी अब कम हो चुका है। बहुत जल्दी आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, तो अब और क्या चाहिए? सो आप तैयार हैं? तैयार हैं तो चलो लेट्स गेट ऑन। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस कॉइन पर्स। इस पर्स की क्वालिटी इज जस्ट अमेजिंग, और इसे मैंने अराउंड 60 रुपीज में खरीदा था। इसमें काफी सारी डिजाइन आती है, मैंने ये लड़की वाली डिजाइन मुझे बड़ी पसंद आई तो मैंने खरीदा। इसके काफी सारी यूसेज हैं, आप इसको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। मैं आपसे कुछ जो मैं कैसे शेयर करती हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करती हूँ, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले मैं इसमें कॉइन्स रखती हूँ। जी हाँ, बहुत ईजी हो जाता है कॉइन्स रखना, क्योंकि कई बार हमारे पर्स में कॉइन्स इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो इसमें रखो और आप इजीली इसको ढूंढ सकते हो। फिर मैं ज्वेलरी रखती हूँ, कई बार बाहर जाती हूँ निकालना पड़ता है, तो यहाँ वहाँ रखने से अच्छा मैं इसमें रख लेती हूँ, और इसकी पॉलिश भी इंटेक रहती है। जो तीसरी चीज है वो है इस तरीके की छिटू पिटू चीजें, च्युइंगम, चॉकलेट्स, तो कई बार मैं ये सारी चीजें भी रखती हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें टैबलेट्स भी रख सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत एक अच्छा कन्वीनियंट ऑप्शन हो जाएगा। एंड द क्वालिटी इज जस्ट A1, इट्स अ मस्ट बाय। दूसरा है ये डर्मा रोलर। ओ माय गॉड, ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज अमेजिंग। मैंने अली एक्सप्रेस में काफी ढूंढा करा, मुझे सबसे अफोर्डेबल वाला मिला, और प्लस इसके रिव्यूज भी एक्सीलेंट थे, बट मैं स्टिल डाइसी थी कैसा होगा, बट इट्स अमेजिंग। आप अच्छे से फेशियल क्रीम फेस पे लगाइए और फिर इसे अपवर्ड मोशन में रोल कीजिए, यू विल फील सो सूदिंग। और ये छोटू सा है ना, वो अंडर आए अराउंड द नोज, उस पर आप करिए कम से कम 10-15 मिनट रोज करिए, इतनी अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि हाथ से आप जब मसाज करते हो और जब इससे करते हो, इसका फर्क आपको जरूर दिखेगा। सो अगेन इट्स अ मस्ट बाय। और ये जो तीसरी चीज मैंने खरीदी है, ये भी एक नंबर क्वालिटी है। मतलब इसको मैंने जब खरीदा था तो मुझे नहीं पता था कि ये कैसा दिखने वाला है, बट जब ये आया तो माय गॉड, आई वाज जस्ट टोटली मेस्मराइज हाउ इट लुक्स। कैन यू जस्ट लुक एट द स्टोन क्वालिटी, उसकी शाइन आप देख सकते हो, बिल्कुल डल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये बहुत कम प्राइस का होगा। ये भी मुझे कुछ अराउंड 100 रुपीज में पड़ा। 100 रुपीज में सच काइंड ऑफ ब्रोच लुक्स अमेजिंग। इसे आप साड़ी पे लगा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे इसे आप यूज कर सकते हो। कैन यू लुक एट द स्टोन, द नीटनेस, इट्स ब्यूटिफुल। ये काफी सारे अलग कलर्स में आता है, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसे खरीद सकते हो। एंड दिस इज आई लैश कलर, दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल कलर। आप इतना सुंदर दिखता है, इसकी शाइनिंग ग्लॉसी इफेक्ट है, और ये इस तरीके से लॉक जो आता है इसका, ताकि इजीली आपके मेकअप वैनिटी में इसे रख सकते हो। और इससे बहुत सुंदर वैसे आईलैश कर्ल होते हैं, मतलब इतने अच्छे से होते हैं, और ये आपको जरा भी हर्ट भी नहीं करता है। कि आईलैश कर्ल करती वक्त काफी बार आपको हर्ट हो जाता है, तो वो भी नहीं होता। सो दिस इज ऑल्सो अमेजिंग प्रोडक्ट। और आप इस तरीके से इसको ऐसे लॉक कर लीजिए, एंड सी, आप इसको इजीली आराम से अपने वैनिटी में रख सकते हैं। सो इट्स अ ब्यूटिफुल पीस एंड क्वाइट अफोर्डेबल, 150 रुपीज में तो क्या बोलना। एंड नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस इयररिंग्स। नाउ आई वाज डाइसी कि मैं इसको मेंशन करूं कि नहीं करूं, बट मुझे इतना पसंद था कि मैंने बोला भैया मैं ये मेंशन कर ही देती हूं। इसे मैंने बहुत पहले खरीदा था और इतना यूज किया है। कैन यू लुक एट द स्टोन क्वालिटी, मतलब इसको यूज करते हुए मुझे कम से कम 2 साल हो गए, और ये टूट भी गया, बट इसको मुझे देने का मन नहीं कर रहा। टूटा भी मेरी गलती की वजह से, मैंने इसको बहुत गंदी तरीके से मोड़ दिया था और ये टूट गया, तो मैंने दोनों के वो निकाल दिए हैं। आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं इसको फिर से रिपेयर कर दूं, ऐसी सोच में रखा हुआ है, बट ये हो नहीं पा रहा है। बट इट इज ऑल्सो अमेजिंग पीस, 150 रुपीज में मैंने लिया था, बहुत ही सुंदर है ये। नाउ नेक्स्ट इज दिस आई शेडो पैलेट, एंड दिस इज द ओनली डिसअपॉइंटिंग प्रोडक्ट। ये दिख बहुत ही सुंदर रहा था, इट वॉज लुकिंग रियली ब्राइट। इफ यू कैन सी, इसमें सारे कलर्स है, शिमर भी है, मैट भी है, और कलर रेंज भी बहुत अच्छी है, येलो, ग्रीन, पिंक, पर्पलिश, सब कुछ है, बट द कलर्स आर नॉट दैट पिगमेंटेड। मैं आपको स्वॉच करती हूँ, यू विल गेट टू नो हाउ द प्रोडक्ट इज।
दिस प्रोडक्ट इज जस्ट माई फेवरेट, आई जस्ट लव दीज इयर रिंग्स, मुझे इतने पसंद है मैं आपको बयान नहीं कर सकती, मुझे इतना पसंद है. कैन यू जस्ट लुक एट दैम, दे आर जस्ट अल्टीमेट. मतलब अगर आप बोलोगे या कोई भी मुझे आके बोलेगा कि ये दे दो इसके बदले में कुछ ले लो, मैं नहीं देने वाली इसको, तो मैं कभी ना दूँ किसी को, मुझे इतना पसंद है. कैन यू लुक एट दीज कलर्स, लाइक अ प्लेन कुर्ता हो या आप कोई भी प्लेन टॉप पहन लो और इसके ऊपर ये पहन लो तो आपके कपड़े का चार चांद लगना ही लगना है, आप पे भी नूर आ जाएगा. मुझे इतने पसंद है और ये इतना अफोर्डेबल, दिस वॉज लाइक अराउंड 170 rupees समथिंग, सो दीज आर क्वाइट अफोर्डेबल. तो गाइज ये तो आप खरीदना ही खरीदना, ये बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है. नाउ माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन अ इयररिंग, ये भी बहुत सुंदर पीस है, इसे मैंने अभी तक ज्यादा यूज नहीं किया, बट अली एक्सप्रेस की एक बात बहुत अच्छी कि अगर आप इयररिंग्स के सेक्शन में जाएंगे वेराइटीज इतनी सारी है और इतने अफोर्डेबल हैं, मतलब इतनी सुंदर सुंदर. ये मुझे अराउंड 50 rupees का पड़ा था, अराउंड 47 to 50 rupees का, एंड द स्टोन क्वालिटी, उसकी शाइन बिल्कुल भी डल नहीं है. मुझे यही था, मैं ले तो रही हूँ, इसीलिए मैं ना बहुत ज्यादा एक साथ नहीं बाय करती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि भैया पहले क्वालिटी देखी नहीं और ऐसी चीज आ गई. सो आई ऑलवेज ऑर्डर इन बिट्स एंड पीसेस. कैन यू जस्ट लुक एट देम, दे आर जस्ट ब्यूटिफुल. 50 rupees में इतना अफोर्डेबल चीज, ट्रस्ट मी गाइज यू शुड बाय, ये किसी पे भी अच्छा लगेगा. एंड नाउ दिस नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस हाईलाइटर. मेकअप प्रोडक्ट्स बाय करने में आई एम लिटिल बिट डाइसी, बिकॉज आफ्टर दैट आई शेडो आई वॉज नॉट दैट श्योर कि मुझे लेना चाहिए, बट दिस इज ऑल्सो अमेजिंग, जस्ट गोना स्वॉच इट टू यू. ये बहुत ही सुंदर हाईलाइटर है, इट इज वेरी पार्टी वेयर, इट हैज गोल्डनिश दिस थिंग इफेक्ट, इसमें गोल्डन पार्टिकल से थोड़े से, तो ये थोड़ा शिमरी साइड पे है, शिमरी साइड पे है. सो कैन जस्ट सी, कैन यू लुक एट दिस चंकीनेस, आई जस्ट फोकस ऑन दिस, कैन यू जस्ट लुक एट दिस, दिस इज अ ब्यूटिफुल हाईलाइटर. ये भी कुछ मुझे अराउंड 100 rupees में पड़ा था. सो वन थिंग बेस्ट अबाउट अली एक्सप्रेस इज कि बहुत अफोर्डेबल है, क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चर हुए प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं एट द फैक्ट्री प्राइस. सो दिस इज अमेजिंग, UB का बहुत ही अच्छा है, एंड यू कैन जस्ट गो फॉर इट. इसमें काफी सारे शेड्स हैं, 100 rupees में इतना ब्यूटिफुल हाईलाइटर, इट्स अ मस्ट बाय, इट्स अ बिग थम्स अप फ्रॉम मी. सो गाइज यू कैन गो फॉर दैट. अब ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना, इसके ब्रांड का नाम मुझे प्रोनाउंस करने में ना हमेशा प्रॉब्लम आती है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ. फोकेलियर. तो आप समझ ही गए हो, बहुत डिफिकल्ट है. सो इसका वॉन्ड आप देखेंगे, बहुत ही सुंदर वॉन्ड है, इट्स फ्लफी. इसे जब आप लिप पे लगाते हो बहुत इजीली लगता है और बिल्कुल हार्श नहीं लगता है, बट हाँ ये काफी मैट है, वाटरप्रूफ है, तो आप अच्छे से पहले मॉइस्चराइज जरूर करना अपने लिप्स को, क्योंकि ये सॉलिड ड्राई आउट होता है, तो अगर आपने अपने लिप्स को मॉइस्चराइज नहीं किया है तो ये बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा. कैन यू लुक एट दिस कलर, इसमें काफी सारे कलर्स हैं, ये कुछ अराउंड 150 का है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड. इसकी जो बॉटल पैकिंग बहुत सुंदर है. सो गाइज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट बाय ऑफ अली एक्सप्रेस. नाउ दिस नेक्स्ट प्रोडक्ट, अब मैं आपको बताती हूँ, अली एक्सप्रेस है ना, ये मेरा भी रीसेंट बाय है, ये कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है और अंदर है ना इस तरीके का बबल होता है, तो पैकिंग बहुत ही अच्छी है, तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है प्रोडक्ट. और इनकी रिटर्न पॉलिसी भी बहुत अच्छी है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट डैमेज है उसका फोटो उसको क्लिक करके भेज दीजिए, रिटर्न हो जाए. ये देखिए 6 आए हैं मुझे रेजर, और ये मुझे अराउंड 100 rupees में पड़ा, तो अगर आप नॉर्मल इंडिया की कोई वेबसाइट अमेजोन या कहीं से आप खरीदते हैं तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो अली एक्सप्रेस में यही मुझे 100 rupees में मिला. सो अली एक्सप्रेस से काफ़ी सारे आप शॉप कर सकते हो, लेकिन आप में सिर्फ इतना पेशेंस होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें आराम से आने वाली हैं, थोड़ा वेट तो बनता है.